झारखंड गठन में और झारखंड के आंदोलन में और गुरु जी के बेहद करीबी रहे सूरज मंडल जी, अपनी पहचान किसी सांसद के तौर पर नहीं कराना चाहते हैं बल्कि अपनी पहचान और अपनी शिनाख्त झारखंड आंदोलनकारी के रूप में कराना चाहते हैं। लेकिन दुर्भाग्य का है कि उसी झारखंड गठन के करीब 22 सालों बाद आज ये आंदोलन की दिशा में एक बार फिर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ झारखंड आंदोलनकारी अपने मांगों को लेकर पिछले 8 दिनों से घेरा डालो डेरा डालो का कार्यक्रम चला रहे हैं, तो दूसरी तरफ 2 जिलों में धनबाद और बोकारो में भाषा को लेकर जबरदस्त आंदोलन चल रहा है। सूरज मंडल जी, आप लोगों ने तो बेहद, हम लोग तो उस टाइम थे भी नहीं जब झारखंड आंदोलन के बुनियाद आप लोग रखी, बीज रखी, क्या इसी दिन के लिए झारखंड बनाया गया था? इसी को सोच सोच करके दुख होता है और जिसके लिए बनाए थे उन लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है, जो आंदोलन में लड़ा कुछ मर भी गया, उसका बाल बच्चा के लिए कुछ ही सरकार में नहीं हुआ 22 साल के अंदर में, चूँकि ढुलमुल नीति वाला सरकार बनती है, वो ठोस निर्णय लेने वाला सरकार नहीं है। ये कहती है झारखंड मुक्ति मोर्चा का, आपको बेहद नज़दीक से जानते हैं, आंदोलनकारियों की पार्टी है, आंदोलन से उपजी हुई पार्टी है, जल जंगल जमीन की पार्टी है, तो इनकी आवाज़ क्या वहाँ तक नहीं पहुँच पाती? अब ये आंदोलनकारी उसमें रहा का ये मथुरा जैसे है, ये आंदोलनकारी तो इसको किनारे कर दिया। आप जो बोले थे बेहद खामोशी से वो सुन रहे थे? सुनेंगे नहीं, हम तो जो साफ साफ बोलते हैं तो उसको किनारे करने के लिए किया है। अब जैसे बोले जगन्नाथ महतो, वो पीछे वाला लाइन का आदमी है, आगे आ गया पैसे के बल पर, और क्या बोलता है कि सिबुसरन हंडिया और दारू बंद करने बोला है, हंडिया सब दारू नहीं ये बोल करके, क्योंकि वो भी कोयला लोहा माफिया तो है ही खुद, खास करके भोजपुरी मघी को हटाने में उनका बड़ा योगदान दिखता है। अरे यार, वो कुछ नहीं, आईवास है, करवा लिया था यही लोग किया है कि दूसरा तरफ ना कोई आंदोलन हो जाए, ये आंदोलन हो जाता ना जोर, उसी में उसको लटका दिया लोगों को। तो ये जो कहते हैं लोग सरकार प्रायोजित कार्यक्रम था भाषा आंदोलन, वो सही बात? हाँ, सरकार राजनीतिक लाभ है कि दूसरे तरफ लोग इसमें लग गया, अच्छा। उसके खिलाफ नहीं बोलकर इसके खिलाफ लग गया, इसलिए जब तक ये सरकार को ये गैर आंदोलनकारी नेता को बदलेगा नहीं तब तक झारखंड में कुछ नहीं होने वाला। भाषा को लेकर जो आंदोलन है उसका आपका मंतव्य क्या है, क्या रास्ता हो सकता है कि भाषा का कुछ नहीं, नो भाषा सूचीबद्ध किया हुआ है, जो टीआरएन में जो पढ़ाई होती है, हाँ, जो क्षेत्रीय भाषा क्या जैक जब बना था ऑटोनोमस काउंसिल उसमें उसको मोहर लगा दिया है, वही भाषा चल रहा है आज नया ये 22 साल में, इसको जानकारी कुछ नहीं है, आंदोलन में था नहीं इसलिए उसको जानकारी नहीं है। शिबू सोरेन जी तो हैं, आ तो जीवित हैं वो, सोरेन शिबू सोरेन अभी वो ब्रेनलेस है, वो खत्म है, कुछ नहीं उसको मालूम। दिशा किस राज्य किस दिशा में बढ़ता है वो दिख रहा है, राज वो फिर उन्हीं लोगों के हाथ में जा रहा है जो लोग पहले से इस राज को शोषण करता था, बिहार जो बिहार मूल के लोग हैं, उसी का गठबंधन में तो आरजेडी शामिल है, कांग्रेस भी शामिल है, कांग्रेस रहता तो क्या राज बनता, कांग्रेस देश में सरकार होती तो राज भी नहीं बनता, इसलिए वो लोग तो किसी तरह आगे बढ़ना चाहता है, किसी के कंधा पर बैठ करके वो आगे बढ़ना चाहता है। जो पलामू परमंडल में जो भोजपुरी भाषा भाषी के लोग हैं, क्या उन जिलों में उन भाषाओं को रखा जा सकता है? देखिए, भाषा नहीं रखा जा सकता है, बोल चाल संस्कृति में वो कहीं प्रतिबंध नहीं है, लेकिन सरकारी रूप में कहीं नहीं रखा जा सकता है, रोजगार से नहीं जोड़ सकते, नहीं वो किसी भी स्टेट में भारतवर्ष में नहीं है, उस राज्य का भाषा और संस्कृति अपना होता है। मंत्री के तमाम चीजों में कोई बयान नहीं आना, क्या संकेत? कुछ नहीं जानता, उसको पैसा से मतलब है, माफिया लोग, बालू कोयला लोहा वाला सब माफिया लोग उसके साथ मिलकर चला रहा है। झारखंड की पहचान तो कोयला लोहा से है ही, तो तमाम सरकारों में ये उसको दोहन करवा रहा है 2 नंबर से, 2 साल सरकार का हो गया, 3 साल बचा हुआ, लग रहा सरकार रहेगी, ये वो देख रहा है कमा के जमा कर रहा है और उसका उड़ जाएगा, वो 10 दिन से हल्ला कर रहा है, नामो निशान मिट जाएगा जेएमएम का, भाषा के भाषा को लेकर आंदोलनकारियों के आंदोलन नहीं, भाषा का देखिए, जो लोग यहाँ रहते खाते कमाते हैं उनसे मेरा गुजारिश है कि आप बोल चाल करिए,
लेकिन सरकारी भाषा में शामिल करने का मांग मत करिए। वो लोग अभी डरे समय कह रहे कि हमको झारखंड के अंदर ही अलग राज्य दे दिया जाए, भोजपुरी समाज यहाँ सुरक्षित रह सके। वो कहेगा तो बहुत गड़बड़ होगा, ये सब नहीं कहना चाहिए। रहना है, रहो, खाओ पियो, कमाओ। सरकारी जब देने के लिए तैयार है तो फिर कोई क्या करता है? सरकार कौन है? सरकार जो इन लोगों का खून पसीना का राज बना हुआ, ये लोग हम लोग तैयार नहीं है। लोगों को कोई सुन नहीं रहा, देखिए यहाँ की आवाज मेन रोड तक नहीं पहुँच पाती। अभी वो जब सुनेगा, कब? दो साल तो हो गया, सरकार तो सुनी नहीं थी। उस पर विचार होगा। अभी अविनाश पांडे जो है कांग्रेस के प्रभारी, उन्होंने साफ कह दिया है कि हम अगर सरकार में रहते हैं तो इस बात का गुना भागा हम करेंगे कि हमारे हमको क्या लाभ मिल रहा है। तो ये क्या संकेत दे रहा गठबंधन सरकार का? मतलब झारखंड मुक्ति मलाई चाहता है कांग्रेस तो पहले और भी और मलाई चाहता है। इसका राजनीतिक मतलब यही है। और झारखंड के बारे में तो आपने सुना, पूर्व सांसद सूरज मंडल झारखंड के आंदोलनकारी तमाम विषय को उन्होंने खुल कर कहा, और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि झारखंड की जो पार्टी है यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा जो खुद को आंदोलन की उपज कहती है, अगर ये पार्टी झारखंड के आंदोलनकारियों की पहचान को शिनाख्त को बाकी नहीं रखती है और झारखंड के मूल उद्देश्यों पर अगर काम नहीं करती है तो आने वाले इस पार्टी के जो एग्जिस्टेंस है, जो अस्तित्व है, वो सवालों के घेरे में रह जाएगा। कैमरा पर्सन हृदय के साथ रांची से न्यूज़ 22 के लिए शहनवाज।